डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। लेकिन क्या ये उनके लिए आसान रहेगा, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि उन्हें उन्हीं की पार्टी के अंदर से कड़ी चुनौती मिल रही है। खासकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी से। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सद्दिका मनोहर सोनी आपके साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने को है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की दौड़ में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। वो 56% वोट के साथ पहले स्थान पर है, वही दूसरे स्थान पर कड़ी टक्कर चल रही है। दूसरे स्थान पर रोन डिसेटिन्स को भारतवंशी विवेक रामास्वामी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दोनों 10% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इन आंकड़ों के बीच दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिकी रोन डिसेटिन्स उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी भारतवंशी विवेक रामास्वामी चुनौती बने हुए हैं। अब इस पूरी गणित को आंकड़ों के जरिए समझते हैं। जून के महीने में ट्रंप 59%, डिसेटिन्स 21% और पेंस 6% पर थे, जबकि विवेक रामास्वामी के पास मात्र 2% वोट थे। लेकिन तब से अब तक रामास्वामी की लोकप्रियता में 8% की वृद्धि हुई है। वही डिसेटेंस को 11%, ट्रंप और पेंस को 3% का नुकसान हुआ है। रामास्वामी की लोकप्रियता में हो रही लगातार वृद्धि से और डिसेटेंस से बराबरी के बाद अब ट्रंप खेमा चिंता में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब हम ट्रंप की चिंता के पीछे का दूसरा कारण और देखते हैं। विवेक रामास्वामी ने हाल ही में कहा है कि अगर वो 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो वो और किसी पद की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं सरकार में 2 या 3 नंबर पर रहने की बजाय प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद करूंगा। विवेक रामास्वामी ने वादा किया है कि वो अमेरिका फर्स्ट को ट्रंप से भी कहीं आगे ले जाएंगे। वही रामास्वामी अभिव्यक्ति की आजादी और चीन पर निर्भरता घटाने के समर्थक है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए पारस्परिक कर 2 गुना कर देंगे। विवेक रामास्वामी सबसे युवा रिपब्लिकन प्रत्याशी है। अब उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 9 अगस्त 1985 को ओहिया के सिनसिनाटी में हुआ। उनके पिता वीजी रामास्वामी इंजीनियर और पेटेंट अटॉर्नी में थे। माँ गीता मनोचिकित्सक थी, वो पूरी तरह से शाकाहारी है। उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने हार्वर्ड से बायोलॉजी की डिग्री की और वही रिपब्लिकन क्लब में शामिल हुए। वो दावैक के नाम से रेप सॉन्ग भी बनाते थे। वही वो 2016 में 40 साल के कम उम्र के एंटरप्रेन्योर फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हुए। इसके बाद वो साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में लेख लिखने लगे। 2021 में राइवेंट सीईओ जा पद छोड़ा और बेस्ट सेलर बुक वॉक इंक और नेशन ऑफ विक्टिम लिखी। नमस्कार।